यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो BHPHCL का हम पूरा इसमें प्रोसेस बताएंगे, इसमें आप लोग का जो सिलेक्शन होता है उसके बारे में, साथ ही साथ इसमें कौन कौन कैटेगरी का पोस्ट आता है। ITI वाले स्टूडेंट के लिए सिर्फ ये आप लोग का वीडियो है, ठीक है। जो स्टूडेंट ITI वाले स्टूडेंट वो देख सकते हैं, बाकी JEE और बाकी जितनी भी पोस्ट है वो की भी वीडियो आएगा तो आप लोग देख सकते हो और विजिट कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं BHPCL है, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया था, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता, और अभी जो होने वाला है, अभी जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें होने वाला है कि नहीं होना है, ये पूरी डिटेल हम लोग इस जानकारी में देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। इसमें देख सकते हो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये 2018 में वैकेंसीज आई थी, ठीक है, और सितंबर में ही वैकेंसीज आई थी, ठीक है। और इसमें पोस्ट जो होता है वो पहला पोस्ट जो होता है वो SBO होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो SBO होता है, फिर JLM होता है, जूनियर लाइनमैन होता है, फिर AO होता है यानी आप लोग का असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है, एक TG2 Technician 4 होता है, ठीक है। ये चार ही पोस्ट होता है जो कि आप लोग का यहाँ पर निकल के आता है, मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में, जो कि अभी भी जो वैकेंसीज आने वाली ये चारों पोस्ट के लिए वैकेंसीज आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की बात किया जाए तो आप लोग का इसमें आप लोग का SBO की वैकेंसीज आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग पहले वीडियो को देखते नहीं हो और कॉमेंट कर देते हो, पहले वीडियो को देख लेना। और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, और टेलीग्राम में भी, ठीक है, वहाँ से हमसे बात भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर ITI स्टूडेंट वाले के लिए ही सिर्फ वैकेंसीज आती है, यानी कि टोटली बात किया जाए तो पूरी फुल्ली आप लोग का ITI स्टूडेंट जो हैं वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ब्रांचेस क्या रहती है ये भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। इसमें जो ITI जो स्टूडेंट किए हुए रहेंगे उसमें सिर्फ ITI के साथ अगर इलेक्ट्रीशियन किए हैं ब्रांचेस में, ठीक है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे तो NCBT या SCBT दोनों ही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो इसमें आप लोग सही आप लोग दोनों अगर आप लोग किए हो कोई भी से, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप से, नेशनल सर्टिफिकेट से किए हो या स्टेट से किए हो ITI इलेक्ट्रीशियन से, तो आप लोग दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि सिर्फ NCBT वाले ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो दोनों ही आप लोग अप्लाई करोगे, ये आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड की बात किया जाए तो आप लोग का यहाँ पर जो क्या होता है या चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग का चयन प्रक्रिया जो होती है वो आप लोग का एक CPT होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और ये आप लोग का एक ITI का ही नहीं, अदर एग्ज़ाम जो भी पोस्ट आती है जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट और क्लर्क का और जूनियर इंजीनियर का भी वैकेंसीज आती है ना जो आने वाली है साथ में, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग का एक सिंगल एग्ज़ाम ही होता है। बाकी जो भी पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होती है वो अलग होती है, उसकी प्रोसेस तो सेकेंड ही होगी, ठीक है, बाकी आप लोग का सिंगल एग्ज़ाम होती है। ITI वाले स्टूडेंट की बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो होती है वो हम लोग एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो प्रीवियस ईयर का है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिमांड था कि पूरा ब्रांच का और साथ ही साथ सिलेबस के बारे में बताइए, तो पूरा हम बताने वाले हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का आया था वैकेंसी पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर जो मैंने बताया 8 यानी आप लोग का यानी 18 आप लोग अगस्त में ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आ गई थी, लेकिन सितंबर में फॉर्म भराया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वैकेंसीज की बात किया तो टोटल वैकेंसी 2050 वैकेंसीज आई हुई थी अदर अदर आप लोग का पोस्ट के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट, चारों ही अच्छी पोस्ट होती है, ऐसे नहीं कि मतलब ख़राब पोस्ट होता है, ऐसा नहीं है, सभी अच्छा पोस्ट होता है और पेमेंट ही बहुत ही अच्छा आप लोग का होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का नाम भी गलती होता तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग पहले इसको भी देख लो, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए भी बताया गया है, वुमेन कैटेगरी का भी बताया गया है, ठीक है। डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर अगर आप लोग फीमेल BC रिजर्व कैटेगरी हैं, वुमेन कैंडिडेट SC ST EBC BC या कैटेगरी फॉर दिस कैटेगरी द कैंडिडेट मॉस्ट बी डोमिसाइल
बिहार। यानी कि कहा गया है कि अगर आप लोग एससी कैटेगरी से हो या एससी या एसटी या ईबीसी या बीसी से हो तो आप लोग बिहार के डोमिसाइली हो गए तभी आप लोग का ये आरक्षण मिलेगा, बाकी अदर स्टेट वालों को आरक्षण ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह मैंशन किया गया है। यहाँ पर आप लोग इनिशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और जो कि यहाँ पर सेम चीज़ हम बता चुके हैं शुरुआत में, तो आप लोग इसको समझ सकते हो। लेकिन यहाँ एनसीबीटी एससीबीटी दोनों दिया है तो कन्फ्यूजन मत होना, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से आईटी होना चाहिए बस, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों ही अप्लाई करते हैं। प्रीवियस ईयर आप लोग का जो रहता है वो टी ईयर का रहता है, लेकिन वन ईयर तक ही आप लोग करना रहता है, उसके बाद आप लोग का जो पेमेंट होता है रेगुलर वो मिलता है। यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर का जो लेवल फोर होता है वो अब फाइव में आएगा, बाकी जितने भी थर्ड लेवल थे वो अब फोर्थ लेवल में आएंगे। पेमेंट आप लोग का जो होता है वो आप लोग शुरुआत में लगभग 5,500 से लेकर आप लोग का 15,000 के बीच में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद एक साल बाद करने के बाद आप लोग का जो असिस्टेंट ऑपरेटर है वो तो 40 से ऊपर रहता है, बाकी तीनों पोस्ट में आप लोग का 38 बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग का रेगुलर पे स्केल 7 है, वो आप लोग का जो आएगा वैकेंसी वो 8 हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी नन क्लेम लेयर यानी सर्टिफिकेट जो ईबीसी मतलब जाति निवास और बिहार के एक ईबीसी होता है वो भी एनसीएल बना लेना आप लोग, ठीक है। और एनसीएल बिहार का ही आप लोग का रहना चाहिए, ठीक है, तो बना लेना, तो अभी टाइम है, बना सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर एज लिमिट आप लोग का देख सकते हो, यूआर में 1837 रहता है, एसटी में 1842, एसटी में 1842, ईबीसी में 1840, बीसी में 1840, और फीमेल यूआर में भी 1840 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस जो इसके बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे कि जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें हो सकता है पैसा भी बढ़ जाए, ठीक है, तो वही तो बात की बात है, इसमें आदमी बताया नहीं जा सकता है। बाकी आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, इसको पहले आप लोग सही से आप लोग देख लेना, कन्फ्यूजन मत होना, इसमें हम और भी चीज़ बताएंगे जिसमें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग का मेंशन किया गया है कि ओनली वन सीपीटी विल बी द कंडक्टेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अबव, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का जो टेंडर भी निकाला गया है तो इसमें ये भी बताया गया कि सिंगल वन ही एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का बताते हैं कि यहाँ पर बेस ऑफ मार्क कैलकुलेट द जो परसेंटेज अगर इक्वल होता है उसके मेथड्स के भी निकाला जाएगा, लेकिन बेस ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जो भी मेरिट निकलेगा वो एक पोस्ट के लिए एक ही स्टूडेंट को ही सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी कि आप लोग को जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा वो समझिए आप लोग का रिजल्ट है, यानी उसमें आप लोग का दो गुना या तीन गुना नहीं बुलाया जाता है, एक रेशियो पर एक ही स्टूडेंट को यानी एक पोस्ट के लिए एक ही स्टूडेंट को ही बुलाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में ही रखना, ठीक है, ये नहीं कि आप लोग एक सीट के लिए चार स्टूडेंट को चार गुना बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग का उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी होगा बीएचपीसीएल के साइट पर ही होगा, बाकी यहाँ पर बताया गया है परसेंटेज आप लोग का मिनिमम क्वालिफाई मार्क यहाँ पर बताया गया है, जो कि आप लोग इसको देख लेना, इसका पीडीएफ हम ऐसे दे देंगे। अभी तक आप लोग मेरा ई बुक नहीं लियो हो तो आप लोग ले सकते हो, चलो हम दिखला देते हैं आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को आना है, ठीक है, लिंक हम ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर जिन स्टूडेंट को नहीं मिलता वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज में आप लोग का थ्योरी टोटली मिलेगा, और ये 99 रुपीज़ की आप लोग का यहाँ पर पढ़ने वाला है, पीडीएफ में मिलेगा ही आप लोग को, लेकिन आप लोग इस थ्योरी को पढ़ लेते हो कोई भी ऑब्जेक्टिव मार सकते हो, ये मेरी गारंटी, ये हैंड नोट्स है यानी मेरा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग का बीएचपीसीएल का चारों शिफ्ट का आप लोग का एग्ज़ाम का ई बुक आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा जो कि ओरिजिनल है। यहाँ पर हिंदी का आप लोग बुक ले सकते हो, जो कि आप लोग का बीएचपीसीएल कोई सी पोस्ट के लिए आप लोग इंग्लिश का या हिंदी का तैयारी कर रहे हो बीएचपीसीएल का दोनों ही ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का ये सब है तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी लेकिन जो हम मेरे हिसाब से आप लोग अभी लेओगे तो कंप्यूटर और हिंदी ले लेना, जो कि आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में से है, वहाँ पर जाकर ले सकते हो, स्टोर का लिंक सबसे ऊपर में आप लोग का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का जो स्टार्ट हुआ था बोले ना 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, और आप लोग का सितंबर हो गया, क्लोजिंग अक्टूबर 8 तारीख को ख़त्म हो गया था, बहुत ही कम डेट दिया गया था, यानी 18 यहाँ पर आप लोग का 28 दिन दिया गया था लगभग, ठीक है, 28 दिन आप लोग का दिया गया यहाँ पर, और लास्ट डेट आप लोग का पेमेंट भी सेम ही चीज़ था, लेकिन आप लोग का उसके बाद डेट एग्ज़ाम लास्ट वीक अक्टूबर में भी दे दिया गया, यानी आप लोग का इतना जल्दी करवा दिया जाता है, टेंडर में भी 12 वीक लिखा गया, तो बहुत ही आप लोग का शॉर्ट टर्म में आप लोग का ये रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग भी करवा दिया जाता है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड है वो आप लोग पढ़ा
पढ़ाई में लगे रहिए, ई बुक पढ़ लीजिए, कोई भी आप लोग का जो अच्छा लगता है वो पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का ये फिलअप करने के लिए फॉर्म के बारे में बताया गया, तो इसी जानकारी हम लोग नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, एक और बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता था कि नहीं रहता था। देखो अभी फ़िलहाल जहाँ तक मेरा मालूमात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ये आप लोग क्लियर में रखना। लेकिन वैकेंसीज जो आने वाली है, इसमें आप लोगों को बताया नहीं जा सकता कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहता है तो प्रॉब्लम तो हो गई, एक्यूरेसी देखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहता है तो, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो एक्यूरेसी नहीं देखा जाता है, ठीक है इसमें। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन होता है, नेगेटिव विदाउट नेगेटिव मार्किंग के भी नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि शिफ्ट बाई एग्ज़ाम होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग का नेगेटिव मार्किंग होगा तो आप लोग के लिए एक डीमेरिट हो जाएगा कि इसमें एक्यूरेसी भी मांगा जाएगा। यानी कि आप लोग अगर 60 क्वेश्चन करते हो तो ये मत रखना कि 40 क्वेश्चन एंटेकानी हम लोग तो कम मार देंगे, ये मत करना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तब मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बट आप लोग कन्फ्यूज़न में मत रहो। ज़्यादातर उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हिंदी में जो पूछता है क्वेश्चन, यानी जनरल लैंग्वेज सॉरी, यहाँ पर पूछता है, ये आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो आप लोग के लिए यहाँ पर पूछा जाता है, सॉरी यहाँ पर 10 नंबर पूछा जाता है। जनरल हिंदी जो होती है वो आप लोग को, जनरल हिंदी भी 10 नंबर का होता है। नीचे में इंग्लिश है जो कि आप लोग को दिखला देते हैं, इंग्लिश आप लोग का 5 नंबर पूछा जाता है। और यहाँ पर कंप्यूटर जो होती है वो सबसे टेक्निकल के बाद ज़्यादा होती है, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। यानी टोटल बात किया जाए तो नॉन टेक्निकल में आप लोग का 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 10 हिंदी रहता है, 10 रीजनिंग रहता है और 10 हिंदी रहता है, 5 इंग्लिश रहता है, ठीक है। 5 नंबर इंग्लिश रहता है, 15 नंबर कंप्यूटर रहता है। मिलाओगे तो आप लोग का ये 50 क्वेश्चन हो जाता है। साथ ही साथ आप लोग का, अगर आप लोग डाउट में हो कि नहीं कैसे होता है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आप लोग का वहाँ पर काउंट कर लो, आप लोग पता चल जाएगा कि आप लोग का 10-10 करके देता है कि नहीं देता। बस इतने करना है आप लोग को। टेक्निकल की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग का टेक्निकल जो होती है वो आप लोग का टोटली 50 क्वेश्चन होती है, जिसमें सिलेबस अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, ना कि बाहर से पूछा जाता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से पूछा जाता है, यानी कि जो भी आप लोग का सिलेबस में दिया गया उसके अंतर्गत तो पढ़ नहीं है, लेकिन उस जो सब्जेक्ट नहीं दिया गया वो भी आप लोग को पढ़ कर जाना है। यानी आप लोग का अगर नहीं देता इसमें से, तो बाहर तो आप लोग पढ़ के जाओगे तभी तो मार पाओगे, ठीक है। तो हथियार आप लोग पूरा अच्छा से लेके जाना है, कि आप लोग पूरा अच्छा से पढ़ के जाना है, कि ये नहीं तो ये आ जाए तो पढ़ लेना। बात करते हैं कि इक्वलिटी की तैयारी कैसे किया जाए, तो याद रखिएगा आप लोग, ये चीज़ मेंशन है, आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा कि पैरेलल में तैयारी करके रखना है। यानी कि टेक्निकल अगर 50 है तो नॉन टेक्निकल ही 50 है, यानी 100 क्वेश्चन है आप लोग का, तो यानी आप लोग यहाँ से कम 40 लाने का कोशिश कीजिए। और यहाँ आप लोग अगर लाते हो तो यहाँ पर आप लोग 35 लाने का कोशिश करो, या अगर नहीं 40 ला सकते हो टेक्निकल में तो 35 तो ला ही सकते हो। 35 और 35 यहाँ पर आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो 70 नंबर आप लोग का यहाँ पर अगर बन जाता है तो आप लोग का सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये आप लोग कन्फर्म रखना। टेक्निकल में 35, नॉन टेक्निकल में 35 मान के चलो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो ज़्यादा नंबर लाने के लिए। एक ज़्यादा एक्सेस पढ़ो, ठीक है, टाइम नहीं है अब, ठीक है। कोई भी बुक लो, ई बुक लो, नोट्स लो या ऑनलाइन कोर्स लो, लेकिन पढ़ो आप लोग, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट और कोई भी चीज़ हम भूल गए तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कोशिश करेंगे बताने के लिए। और सेकेंड बात की टेंडर की बात, जहाँ तक है टेंडर में कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, जो कि आप लोग को उम्मीद है कि कल तक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये कन्फर्म रखिएगा कि अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर तक वैकेंसीज आ जाएगी, तो तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा, टाइम नहीं है अब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अपना पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए।